मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। कायनात की किसी चीज़ में इतना मज़ा नहीं जितना नमाज में है, मगर अल्लाह ने यह मज़ा गुनाहगारों के लिए हराम कर दिया है। ये ज़िंदगी दो दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और एक दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गरूर मत करना, जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन इससे और भी ज़्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत है। खुदा बंदे आलम को जब अपने किसी बंदे की इस्लाह मतलूब होती है तो इसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने का इल्हाम फरमाता है। मौला अली ने इरशाद फरमाया, जो फजूल खर्ची पर फख्र करता है वो मुखलिस होकर जलील होता है। इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। किसी पर भरोसा करना है तो मुकम्मल भरोसा करो, या तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिलेगा, नहीं तो एक सबक मिलेगा। ज़िंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द के बजाय तुम्हारे सब्र पे रश्क करें। गुरबत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। अपनी ज़ुबान की तेज़ी उस माँ पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। जो गाली तुम गुस्से में या मजाक में देते हो वो तुम्हारे कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। कुर्बान जाऊं उस खुदा पर जो इंसान को दुख देता है उसकी बर्दाश्त के मुताबिक और खुशी देता है उसकी औकात से बढ़कर। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, जितना भी बड़ा इम्तिहान क्यों ना हो, घर से निकलते वक्त एक रोटी का नवाला नमक के साथ खा के निकलो। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि घर मायूस हो के लौटो।